अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के? कैसे हैं आप लोग? आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं बना रही हूँ क्रीम कैरेमल शाही टुकड़े। आप इसको पुडिंग शाही टुकड़े भी कह सकते हैं। तो हम अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं। मैं आपको बताती हूँ क्रीम कैरेमल शाही टुकड़ों के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। हमें चाहिए 1.5 लीटर दूध, आप फ्रेश मिल्क ले लीजिए या डब्बे का, जो भी आपको पसंद हो। 8 से 10 अदद ब्रेड स्लाइसेस, पिसा हुआ खोपरा हसब ज़रूरत, पिस्ते ये भी हसब ज़रूरत, शक्कर हसब ज़ायका, बादाम हसब ज़रूरत, क्रीम कैरेमल का पैकेट 1 अदद। ओके, अब हम अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं। ये देखिए, दूध मैंने बॉईल करने रख दिया है। जब दूध अच्छी तरह से बॉईल हो जाएगा, इसमें हम 1 पैकेट क्रीम कैरेमल का ऐड कर देंगे और उसको 2 मिनट तक पकाएंगे। वैसे जब हम क्रीम कैरेमल बनाते हैं तो उसमें 500 ml में हम 1 पैकेट डालते हैं, बट अभी हमें शाही टुकड़ों के लिए क्रीम कैरेमल बनाना है तो उसमें हम 1.5 लीटर में 1 पैकेट डालेंगे क्रीम कैरेमल का। तो जब तक दूध बॉयल होता है, हम लोग सबसे पहले ब्रेड को फ्राई कर लेते हैं, क्योंकि हमें जब दूध इसमें ऐड करना है शाही टुकड़ों के लिए क्रीम कैरेमल वाला, तो हमें ब्रेड को थोड़ा ठंडा करना पड़ेगा। अगर हम गरम गरम ब्रेड पर डाल देंगे तो ब्रेड एकदम बिखर जाएगी। ओके, अब हम ब्रेड को फ्राई कर लेते हैं। आधी ब्रेड में सेकूंगी और आधी ब्रेड में शैलो फ्राई करूँगी। सबसे पहले मैं आधी ब्रेड्स को जो है वो सेक लेती हूँ। और ब्रेड चाहे सेकनी हो या शैलो फ्राई करनी हो, उसको बिल्कुल आपने हल्की आंच पे करना है, तेज़ आंच पे नहीं करना, वरना ब्रेड जल जाएगी। ये देखिए, 4 स्लाइसेस मैंने रख दिए हैं सिकने के लिए। जब ये नीचे से अच्छी तरह से ब्राउन हो जाएंगे तो हम इसको पलट लेंगे। ये देखिए, नीचे से ये हल्के हल्के ब्राउन हो गए थे तो मैंने जल्दी से इनको पलट लिया, आप ये देख सकते हैं। अब इनको मैं प्लेट में निकालती हूँ। ये स्लाइसेस मैंने सेक लिए हैं, अब बाकी के स्लाइस में शैलो फ्राई करती हूँ। थोड़ा सा ऑयल डालें तवे पे, क्योंकि हमें डीप फ्राई नहीं करना स्लाइसेस को, हमें इनको हल्का हल्का शैलो फ्राई करना है। तो आप ये 1 by 1 आप इस तरह से डालें, और कोशिश कीजिए कि 1-2 से ज़्यादा स्लाइस एकदम ना सेकें, क्योंकि उससे फिर ब्रेड आपकी सही नहीं सिकेगी। ये आप देख सकते हैं, हल्का हल्का सा पलटते रहिए। ये देखें, इस तरह से कलर आ रहा है ब्रेड का, ये मैंने पलट लिया है। अब इसी तरह सारी ब्रेड्स में 1 by 1 करके शैलो फ्राई करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, आधी ब्रेड्स मैंने शैलो फ्राई कर ली और आधी मैंने सेक ली है। ये दोनों मेथड मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि जो लोग डाइट पे हैं वो सेक के भी बना सकते हैं क्रीम कैरेमल शाही टुकड़े, और जो लोग नॉर्मली खाते हैं वो शैलो फ्राई करके भी बना सकते हैं। ओके जी, अब हम सबसे पहले ब्रेड को थोड़ा ठंडा करने रखते हैं। जब तक ब्रेड हमारी ठंडी होती है, हम क्रीम कैरेमल तैयार कर लेते हैं। ये देखें, दूध में मैंने 3-4 दाने इलायची के डाल के हल्की आंच पे इसको बिल्कुल पकने रख दिया था। अब आप देख सकते हैं, दूध खूब अच्छी तरह से बॉयल हो गया है। अब इसमें हम थोड़े से बादाम और पिस्ते कूटे हुए, आप या तो ग्राइंडर करके पीस लीजिए, ये मैंने हाथ से कूट लिए, इनको डाल के थोड़ा सा और मज़ीद हम दूध को 5 से 10 मिनट के लिए पकाते हैं। ये देखिए, दूध खूब अच्छी तरह से बॉयल हो गया है। इसमें हम क्रीम कैरेमल ऐड करेंगे। क्रीम कैरेमल में 2 पैकेट्स होते हैं, एक ये पुडिंग का और दूसरा ये कैरेमल का। कैरेमल हम अभी इसमें बिल्कुल नहीं डालेंगे। जब क्रीम कैरेमल शाही टुकड़े हमारे बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे, उसके बाद हम ये कैरेमल ऊपर से डेकोरेट करेंगे। ये देखिए, ये क्रीम कैरेमल मैंने इसमें ऐड कर दिए सब। अब हमें 2 मिनट तक खूब अच्छी तरह से इसको पकाना है। ये देखें, ये डिज़ोल्व होना शुरू हो गई है, ये आप देख सकते हैं। ऑलरेडी क्रीम कैरेमल में मीठा बहुत होता है, इसलिए हमें ज़्यादा शक्कर डालने की इसमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप पहले टेस्ट कर लीजिए, उसके बाद आप इसमें शक्कर ऐड कीजिए। मैंने 2 टेबल स्पून इसमें शुगर ऐड कर दी है। अब इसको हम 2 मिनट्स तक पकाते हैं, उसके बाद हल्का सा इसको ठंडा करके ब्रेड्स के ऊपर इसको पोर करेंगे।
ये देखिए क्रीम कैरामल हमारा बिल्कुल रेडी हो गया था। अब आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं, ये बिल्कुल भी थिक नहीं है। एक ट्रे में मैंने ब्रेड्स को इस तरह से रख लिया, सेंटर से मैंने कट करके इस तरह से डिजाइनिंग करके रख लिए और दो स्लाइसेस मैंने सादा रखे। अब इस पे जो हमने क्रीम कैरामल बनाया हुआ था वो हम थोड़ा थोड़ा डाल के इस पे पोर करते हैं। ये देखिए आपने इस तरह से पोर करना है पूरी ब्रेड्स पे। ये मैं आपको करके दिखाती हूँ सब। ये देखिए क्रीम कैरामल का मिक्सचर मैंने अच्छी तरह से ब्रेड्स के ऊपर पोर कर दिया, आप ये देख सकते हैं। अब इस पे हम पिसा हुआ खोपरा और बादाम पिस्ते गार्निशिंग के लिए स्प्रिंकल करते हैं। ये देखिए क्रीम कैरामल शाही टुकड़ों के ऊपर मैंने थोड़ा सा पिसा हुआ खोपरा और बारीक कटे हुए बादाम पिस्ते मैंने स्प्रिंकल कर दिए हैं, ये आप देख सकते हैं। क्रीम कैरामल शाही टुकड़े हमारे बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब अभी इसको फ्रिज में रखते हैं ठंडा करने के लिए। ठंडा होने के बाद इस पर कैरामल से गार्निशिंग करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए क्रीम कैरामल शाही टुकड़े मैंने अच्छी तरह से ठंडे करके फ्रिज से निकाल लिए। अब इस पर हम कैरामल की ड्रेसिंग करते हैं। क्रीम कैरामल शाही टुकड़ों के ऊपर मैंने कैरामल को अच्छी तरह से पोर कर दिया है, आप देख सकते हैं। क्रीम कैरामल शाही टुकड़े हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आई होप आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप जी मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं कुछ अच्छी और मज़ेदार और नई रेसिपीज़ के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत सारी दुआओं के साथ, बहुत सारे प्यार के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।